कार्टून नेटवर्क को स्कूबी डू का टेलीकास्ट अचानक से बंद क्यों करना पड़ा, और आज मैं आपको एक ऐसा रेयर एप्पल दिखाने वाला हूं जिसे आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जैपनीज लिफ्ट में ये क्या होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने बहुत सी जाइंट व्हेल्स तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक व्हेल पानी के अंदर सोती कैसे है? असल में दोस्तों, एक व्हेल नॉर्मल फिशेस से उलट कुछ इस तरीके से वर्टिकली सोती है। असल में दोस्तों, ये व्हेल्स ऐसा सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि जैसे ये वर्टिकल एंगल में सोती हैं, इनकी पूरी ही बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन हो जाता है। साथ ही साथ ये पोजीशन इन्हें कहीं ना कहीं इनके शिकारी से बचने में भी मदद करती है। लेकिन हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि व्हेल्स इस तरीके के कारनामे को अंडर वाटर करती हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, हमने इस दुनिया के बेहद ही अमेजिंग एप्पल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे एप्पल को देखा है? असल में दोस्तों, ये अमेजिंग एप्पल सिर्फ रशिया में बेहद ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में महज एक या फिर दो महीने तक ही ग्रो करते हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इनका साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि इन्हें मार्केट में कुछ इस तरीके के एक मैच बॉक्स जैसे बॉक्स में रखकर बेचा जाता है, और यही चीज इन अमेजिंग एप्पल्स के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1947 में यूएसए की मुर्गियों में एक बेहद ही अजीब सी बीमारी फैली जिसके चलते हुए वो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए सबसे पहली बार इन मुर्गियों के लिए एक स्पेशल चश्मे को बनाया गया। लेकिन आखिर एक चश्मे से दुश्मनी कैसे खत्म हो सकती है? असल में दोस्तों, उस टाइम पीरियड के दौरान मुर्गियों के लिए कुछ इस तरीके के रोज कलर के चश्मों को बनाकर तैयार किया गया था ताकि वो अपने सामने खड़ी हुई दूसरी मुर्गियों के पंखों को फड़फड़ाता हुआ ना देख सकें। साथ ही साथ इन चश्मों को पहनने की वजह से उन्हें उनके सामने खड़ी हुई दूसरी मुर्गी की चोट और ब्लड का भी अंदाजा नहीं होता था, जिसके चलते हुए वो एक दूसरे पर हमला करती ही नहीं थी। मतलब इसे तो इन्वेंशन ऑफ द ईयर होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म में एक बेहद ही यूनिक सी भी प्रथा मौजूद है जिसमें चलते हुए कोई भी मॉन्क अपने आप को जीते जी एक ममी में कन्वर्ट कर देते हैं। असल में इस प्रथा को शुकुशिन बुश्तु के नाम से जाना जाता है, जिनमें जिस भी मॉन्क को ऐसा लगने लगता है कि अब उन्हें अर्थ को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है, वो नॉर्मल डाइट लेने की बजाय पेड़ों की जड़, नट्स और बेरीज जैसी चीजों को खाना शुरू कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे उनकी आउटर स्किन को ड्राई करके उनका सेल्फ ममिफिकेशन करना शुरू कर देती है। एंड इन द लास्ट, वो मॉन्क इसी कंडीशन में बैठे बैठे अपने आप को एक ममी में कन्वर्ट कर देते हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक पिज्जा को और ज्यादा डिलीशियस बनाने के लिए उसके ऊपर टोमेटो, अनियन, कॉर्न और कैप्सिकम जैसी टॉपिंग्स को डाला जाता है, लेकिन क्या हो कि अगर यही टॉपिंग्स बग्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस में कन्वर्ट हो जाए? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बेल्जियम में ऑफिशियली इंसेक्ट पिज्जा को बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम किया जाता है, जिनके ऊपर टॉपिंग्स के नाम पर अलग अलग तरीके के वॉर्म्स, बग्स, इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि कॉकरोचेस को भी कुछ इस तरीके से डाला जाता है। असल में दोस्तों, लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ह्यूमन हेल्थ को बहुत जल्दी इम्प्रूव किया जा सकता है, जो चीज अपने आप में अजीब जरूर है। वैसे माय इंडिया आर्मी, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो अनार दिख रहा है उसे काफी ज्यादा अमेजिंग माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कोई अनार नहीं बल्कि एक बेहद ही रेयर कॉर्न है। असल में दोस्तों, मेक्सिको और ग्वेटेमाला के रिमोट एरियाज में कुछ इस तरीके के कॉर्न्स भी पैदा होते हैं जिनका की कलर नॉर्मल कॉर्न्स की बजाय कुछ इस तरीके से चटक लाल रंग का होता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन तरीके के कॉर्न्स नॉर्मल कॉर्न्स की तुलना में ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल और अच्छे भी माने जाते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपने कभी भी रेड कॉर्न्स को देखा था? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने बहुत से शेरों को धाड़ता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको बताया कि जो चीता होते हैं उनका वोकल कॉर्ड कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो चाहकर भी कभी भी दहाड़ ही नहीं पाते, और इसलिए बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक चीता अपनी पूरी ही जिंदगी में सिर्फ एक बिल्ली के जैसे म्याऊं म्याऊं ही कर पाता है। लेकिन कहानी में यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। असल में दोस्तों, अफ्रीका में एक ऐसी रेयर चीता स्पीशी भी पाई जाती है जो कि म्याऊं म्याऊं की जगह एक बर्ड की जैसी आवाज को प्रोड्यूस करती है, और अगर ये ब्रीड इतनी ज्यादा रेयर है तो इसकी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों हर भारतीय गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर को तो जरूर जानता होगा और हम में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि सचिन को सबसे पहली बार टीवी पर उनके पहले मैच के दौरान देखा गया था। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात पूरी ही तरीके से गलत है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो इंटरव्यू दिख रहा है उसे जनवरी साल 1989 में शूट किया गया था, यानी मिस्टर तेंदुलकर के डेब्यू मैच से ऑलमोस्ट 10 महीने पहले। और ये सबसे पहली बार था जब मिस्टर तेंदुलकर को टीवी स्क्रीन पर देखा गया था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 12, आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत के लद्दाख के लेह में इतिहास को रचा गया है। असल में दोस्तों 2 अक्टूबर साल 2021 को यहां पर एक पर्वत पर 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्थापित किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि 1000 किलोग्राम वजनीय तिरंगा इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा तिरंगा है जिसको कि सिर्फ खादी का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। तो माय डियर आर्मी, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों की भी अपनी एक लिमिट है जिससे बड़ा और बेहतर बनाना अभी प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता है। और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसा डीजल इंजन दिखाने वाला हूं जिससे बड़ा डीजल इंजन बनाना अभी हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो डीजल इंजन दिख रहा है उसका नाम वॉटसिला सोल्जर आरटीए 96C है और ये अभी तक इंसानी कैपेबिलिटी की एज पर जाकर बना एक ऐसा नमूना है जिससे बड़ा और पावरफुल इंजन बनाना अभी हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जहां पर ये दुनिया झड़ते हुए बालों और गंजेपन से परेशान है तो वहीं क्या आपको बताया कि चाइना में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां की हर एक लेडी के बाल कुछ इस तरीके से 7 फीट या फिर उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं। असल में दोस्तों इस विलेज का नाम हुआंगोलो विलेज है जहां पर हर एक लेडी में एक ऐसा रेयर जीन पाया जाता है जो कि उनके बालों को काफी ज्यादा थिक और लंबा बना देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा विलेज है जहां पर हर एक लेडी के बाल एक इंसानी हाइट से भी ज्यादा लंबे होते हैं। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने अक्सर प्लेन्स को कुछ इस तरीके से जंगलों में लगी हुई आग को अपने अंदर भरे पानी की मदद से बुझाता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये आग जंगलों की बजाय किसी सिटी या फिर बिल्डिंग पर लगती है तब इन प्लेन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? असल में दोस्तों इन प्लेन्स से निकलने वाले पानी की स्पीड और वेट इतना ज्यादा होता है कि अगर इसे नॉर्मली किसी बिल्डिंग या फिर किसी व्हीकल के ऊपर गिरा दिया जाए तो ये उसका कुछ इस तरीके से चंद ही सेकंड्स में हाल बेहाल कर सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन तरीके के प्लेन्स का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए कभी भी इंसानी आबादी में नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आज अगर कोई भी इंसान चोरी करता है तो हम उसकी इमेज और डिटेल्स को चंद ही सेकंड्स में एप्स या फिर ईमेल के थ्रू कहीं पर भी भेज सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये सारी ही चीजें इस दुनिया में मौजूद नहीं थी तो उस टाइम पीरियड के दौरान पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी? असल में दोस्तों साल 1969 में यूएसए पुलिस के द्वारा कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके चंद ही मिनट्स में चोर की डिटेल्स और उसकी इमेज को पेट्रोल करने वाले व्हीकल्स को भेज दिया जाता था। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हमारे देश के लिए मांगा गया तो यूएसए गवर्नमेंट ने ये देने से साफ इनकार कर दिया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने उस मीम को तो जरूर पढ़ा होगा जिसमें अक्सर लोग ये मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर आपको एक आईफोन लेना है तो उसके लिए आपको अपनी किडनी को बेचना होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस मीम का ओरिजिन हुआ कहां से था? मिली इस चाइनीज लड़के से जिसने कि साल 2012 में सिर्फ एक आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए ही एक्चुअली में अपनी किडनी को ही बेच दिया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि आगे चलकर इसका मीम इतने बड़े स्केल पर फेमस हुआ कि इसने सिर्फ इसी के दम पर इतने पैसों को कमा लिया कि आगे चलकर इसने दोबारा से अपनी किडनी को लगवा लिया था। लेकिन क्या सिर्फ एक आईफोन और आईपैड के लिए किडनी को बेच देना सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या हो कि अगर किसी भी बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाए आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको बताया गया अगर आपने इसी काम को नॉर्थ कोरिया में कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया के एक लॉ के अनुसार अगर किसी भी जलती हुई बिल्डिंग की दीवार पर हमारे प्यारे भैया किम जोंग उन की फोटो लगी हुई है तो आपको लोगों को छोड़कर सबसे पहले उस फोटो को सेव करना है, क्योंकि अगर आपने जलते हुए इंसानों को बचाने की कोशिश में हमारे प्यारे भैया की फोटो को खराब होने दिया तो आपको सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। और एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक नॉर्थ कोरिया में फोटोग्राफ किसी इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा मैटर करती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों
दोस्तों हर किसी का एक ख्वाब होता है कि वो केबीसी में जाकर मोटी धनराशि को जीतकर वापस आए, लेकिन क्या हो गया अगर आप केबीसी में जाएं मोटी धनराशि भी जीते लेकिन ये सारी ही चीजें आप पर ही भारी पड़ जाएं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में मिस्टर देशबंधु पांडे के केस में हमें यही सारी चीज देखने को मिली। असल में दोस्तों मिस्टर पांडे कोटा रेलवे के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इंडियन रेलवे के रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अनुसार कोई भी रेलवे एम्प्लॉय बिना रेलवे के परमिशन लिए छुट्टी लेकर किसी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब क्योंकि मिस्टर पांडे ने ऐसा किया था तो रेलवे ने उनके आगामी 3 साल के इंक्रीमेंट रोकने के साथ साथ उनके खिलाफ बहुत से एक्शंस भी लिए हैं। वाह रे फूटी किस्मत। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि 29 सितंबर साल 2021 की सुबह स्पेन के निवासियों के लिए थोड़ी सी रहस्यमय रही थी, क्योंकि दोस्तों इस दिन जैसे ही वो सोकर उठे उन्होंने अपनी बिलबाओ रिवर में कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग से गर्ल स्कल्पचर को पाया। असल में दोस्तों इस स्कल्पचर को वहाँ के एक लोकल आर्टिस्ट के द्वारा कुछ इस तरीके से अलाइंड करके रिवर में इंस्टॉल किया गया था कि जैसे ही सुबह इस रिवर का पानी नीचे उतरता है ये स्कल्पचर कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है, तो वहीं शाम ढलते ढलते ये स्कल्पचर पानी में पूरे ही तरीके से डूबकर गायब भी हो जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ऐसा सिर्फ लोगों को ये अवेयर करने के लिए किया गया था कि अगर हमने हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया तो हम नेचर और लड़कियों से अपने हाथ को गवा बैठेंगे। मतलब ये तो अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है। फैक्ट नंबर 3, दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए रोहित शर्मा के द्वारा जैसे ही 2 छक्कों को जड़ा गया वो भारत के सबसे पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 406 को हिट किया है और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 2, जैपनीज लिफ्ट के अंदर ये क्या होता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमें ऑलमोस्ट सभी जैपनीज लिफ्ट्स के अंदर कुछ इस तरीके का अजीब सा बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन आखिर ये बला क्या है? असल में दोस्तों इसे इमरजेंसी सिटिंग और पूपिंग बॉक्स के नाम से जाना जाता है और इसका यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब अचानक से ही कोई भी लिफ्ट काफी लंबे समय तक किसी टेक्निकल इशू के चलते हुए फंस जाती है, और अगर उस कंडीशन में कोई भी इंसान लिफ्ट के अंदर फंस जाता है तो वो इस पर बैठने, टॉयलेट करने और यहाँ तक कि पॉटी करने के लिए भी इस तरीके के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस बॉक्स के अंदर टिश्यू पेपर से लेकर डिओड्रेंट और यहाँ तक कि पीने का पानी भी मिलता है, और वास्तव में ये इन्वेंशन अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 1, कार्टून नेटवर्क को स्कूबी डू के टेलीकास्ट को बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस अमेजिंग सीरीज के सबसे पहले एपिसोड को साल 1969 में टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, जबकि बात अगर इसके लास्ट एपिसोड की जाए तो वो इससे अप्रोक्स ठीक 1 साल के बाद यानी कि साल 1970 में किया गया था। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर इस फेमस सीरीज को अचानक से ही डिसकंटिन्यू क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों जब ये शो सबसे पहली बार व्यूअर्स के सामने आया था तो उन्होंने हाथों ही हाथ इसे सर आंखों पर बैठा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय कार्टून नेटवर्क अपने आप को फ्यूचर के ढांचे में ढालने में लगा हुआ था, और उस समय कार्टून नेटवर्क का एकमात्र गोल अपने सभी एनिमेटेड सीरीज के एनिमेशन को इम्प्रूव करवाना था, जिसके चलते हुए इस शो के एयर होने के कुछ ही महीनों के बाद कार्टून नेटवर्क टीम के द्वारा इस शो के मेकर्स पर ये दबाव डालना शुरू किया गया कि वो इस सीरीज के एनिमेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जिसके चलते हुए इस सीरीज के पैरेलल स्कूबी डू की कुछ एक्स्ट्रा हाई एनिमेटेड सीरीज को भी रिलीज किया गया, लेकिन व्यूअर्स ने उन हाई एनिमेटेड सीरीज को इतना पसंद नहीं किया जितना कि वो उस समय इस क्लासिक स्कूबी डू सीरीज को कर रहे थे, और यही इस अमेजिंग से शो के खात्मे का सबसे बड़ा कारण बना। असल में दोस्तों शो के मेकर्स ये चाहते थे कि इस सीरीज के एनिमेशन की क्वालिटी को ठीक वैसा ही रखा जाए जैसा कि उसे व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्टून नेटवर्क को ये लग रहा था कि इस शो की क्वालिटी और एनिमेशन उनकी बाकी की सीरीज की तुलना में काफी ज्यादा पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, और इसी कारण शो मेकर्स और कार्टून नेटवर्क की टीम के बीच अक्सर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगी, एंड इन द लास्ट कार्टून नेटवर्क ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाते हुए एक झटके में ही इस शो के टेलीकास्ट को नेटवर्क से बंद कर दिया। लेकिन इस पूरे ही सिनेरियो में कहीं ना कहीं शो मेकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही सही था, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में जब इस सीरीज के एनिमेशन को हाई करके इनकी मिनी सीरीज को लोगों के सामने रखा गया तो लोगों ने उसे इतना प्यार
प्यार नहीं दिखाया जितना कि वो उस समय उस क्लासिक स्कूबी डू को दिखा रहे थे, और इसीलिए कार्टून नेटवर्क की मनमानी कहीं ना कहीं उन्हीं पर ही भारी पड़ गई। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों कार्टून नेटवर्क को स्कूबी डू के टेलीकास्ट को बंद करना पड़ा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।